इस वीडियो में मैंने आपके द्वारा पूछे गए सभी सवालों को लिया है जो आपने हमें कमेंट किया था और व्हाट्सएप पे आपने मैसेज किया था। तो रिजल्ट से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरी है सबका जवाब आपको आज की वीडियो में मिलने वाला है। प्रॉपर सोल्यूशन बताऊंगा कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है इनमें से जो सारे बोर्ड पे लिखे हुए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इसका प्रॉपर जानकारी जो है आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हाथ जोड़िए मेरे साथ, बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी, आज की वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। आप नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों को ताकि उनकी भी यही प्रॉब्लम है तो उनको भी प्रॉपर जो है सॉल्यूशन इसका मिल सके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और हम जरा इसको समझ लेते हैं। और उससे पहले मैं अपने उन सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने जो है हमारे पे ट्रस्ट किया। पूरे इंडिया से आप जो है मेंबरशिप में जुड़ रहे हैं और साथ ही अपनी जानकारी के लिए जब आप हमें कॉल मी फोर ऐप से भी कॉल करते हैं, उन सभी दोस्तों का भी दिल से शुक्रिया। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यही हो जाती है कि कुछ ऐसे भी हैं जो आप बार बार मुझे फोन करते हैं, आप फोन मत कीजिए, एक तरीका है, एक प्रोसेस है, उस तरीके से चलिए। तो खैर इसकी बात जो है हम वीडियो के लास्ट में करने वाले हैं। अगर आप नए हैं, आपको नहीं पता तो ये मेंबरशिप क्या है और कॉल मी फोर ऐप क्या है, चलिए सबसे पहले हम पॉइंट पे आ जाते हैं और देख लेते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका रिजल्ट जो है फॉन्ड नहीं हो रहा है, यानी रिजल्ट नॉट फॉन्ड आपको शो कर रहा है, तो इसका क्या रीजन है जरा इसको समझ लेते हैं। देखिए इस कंडीशन में क्या निकल के आती है बातें कि आपने जो है एग्जाम फीस जब आपने पे किया था तो उस टाइम जो है आपको उस स्टेटस को चेक करना चाहिए था कि क्या आपने जो एग्जाम फीस पे किया है क्या वो सक्सेसफुल था, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फेल हो गया, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि सर हमारा एग्जाम फीस सक्सेसफुल था तो फिर उस कंडीशन में फिर दूसरी बात निकल के आती है कि क्या आपका टीएमए जो है ये आपका सबमिट था और इसके मार्क्स अपडेट थे। अगर आप कहते हैं कि हाँ सर ये दोनों था, यानी एग्जाम फीस वाली बात भी ओके है और ये आपका जो टीएमए है ये भी ओके है और इसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है, तो देखो करना क्या है आपको, नॉर्मल सी कितना करना है जो आपने एग्जाम फीस पे किया है उसकी प्रिंट आउट, टीएमए की प्रिंट आउट, जो मार्क्स हो रहा है दोनों लेके आप जो है रीजनल सेंटर चले जाओ। रीजनल सेंटर जो आपका एनएस का एडमिट कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड जो आपको मिलता है उसके बैक साइड देखिए आपको रीजनल सेंटर मिलेगा, आप वहां पे जाइए और उनसे कांटेक्ट कीजिए। अगर वो कहते हैं कि आपको हेड ऑफिस जानी है तो फिर उसके बाद आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। चलो हम इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगर आपके रिजल्ट में ये शो हो रहा है, ये एक्स 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 शो हो रहा है तो इसका क्या मतलब है जरा इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला मतलब तो इसका ये हो जाता है कि आपका रिजल्ट जो है क्लियर नहीं है। लेकिन फिर आप कहेंगे कि सर हमारे में तो सब्जेक्ट में पीपी लिखा हुआ यानी पास लिखा हुआ है, फिर ये क्या कंडीशन है। देखिए इसकी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर आप मतलब टीओसी वाले स्टूडेंट से समझिए, टीओसी मतलब है तो आपका जो ओरिजिनल फेल मार्कशीट है ये आपका जमा नहीं हुआ है और आपने जमा भी कर दिया है तो जिस टाइम पीरियड में जमा करना था वो टाइम पीरियड इसका निकल गया था। तो इसके आगे जो है आपको ये कंफर्म करना चाहिए कि क्या आपने टीओसी जमा किया था, आपको रीजनल सेंटर पे एक बार कंफर्म करना होगा। बाकी आप मुझसे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिएगा, बात करेंगे आगे, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। देखो और बात आ जाती है कि अगर आप टीओसी वाले कैंडिडेट नहीं है फिर क्या। देखिए अगर टीओसी वाले कैंडिडेट नहीं है तो उस कंडीशन में आ जाता है कि जैसे आपने जो है आपने टेंथ जो है आपने जब किया है, मान लेते हैं समझिए आपने टेंथ का रिजल्ट जो है आपका आया है ये 2020 में और आप जो है ट्वेल्थ के लिए अप्लाई कर चुके हो, आप कर सकते हैं अप्लाई। लेकिन यहाँ पे जो है बीच में गैपिंग चाहिए होता है, यानी कि आपको 2 साल का गैप चाहिए होता है, जिस वजह से क्या है कि आपके रिजल्ट को भी रोका गया है, आपको नेक्स्ट एग्जाम देना होगा बाकी सब्जेक्ट से, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये बात हो गई इसकी। अब बात करते हैं एनसी। एनसी का मतलब हो जाता है नॉट कंप्यूटेबल, यानी कि उसको कंप्यूट नहीं किया जा सकता है, यानी आपके जो रिजल्ट है उसको मार्किंग नहीं की जा सकती है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट मिस है या फिर कई तरह की बातें यहाँ पे निकल के आ जा सकती है। यानी कहने का मतलब है कि आपके रोल नंबर को यानी उसकी मार्किंग नहीं की गई है, तो इसका मतलब हो जाता है एनसी। चलिए इसके आगे देख लेते हैं, आपके रिजल्ट में लिखा हुआ है ये आईएमपीआर, इसका मतलब हो जाता है कि आपने, देखो इसका मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि आप पास हो, ये उस कंडीशन में होता है कि जब आपने क्या किया था, आपने जो है 6 या 7 सब्जेक्ट जो है आपने लिए हुए हैं, तो इस तरीके से जो है उसमें ये लिखा हुआ आ जाता है ये पास हो
तो आप जो है एलिजिबल है कि आप आगे इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट जो हमारा रह गया है डेट ऑफ बर्थ की। तो देखो डेट ऑफ बर्थ अगर मिसिंग हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है कि जो 12th का रिजल्ट होता है उसमें डेट ऑफ बर्थ शो नहीं होता है, जो 10th में होता है वही रहता है, यानी 10th का ही शो किया जाता है, 12th में नहीं किया जाता है। बाकी जो आपका रह गया था SYC SYP इस तरह से, तो इसका नॉर्मल सी बात है कि आपको सब्जेक्ट को क्लियर करना है। और बाकी AB का मतलब एब्सेंट होता है, तो ये सब आप जानते ही हैं। बाकी आपने रिजल्ट के नीचे देखिए, जब आप रिजल्ट निकालते हैं उसके नीचे देखिएगा तो इसकी सभी फुल फॉर्म वहां पे बताई हुई है। जो मेन पॉइंट थे वो मैंने इसको लिया है, बाकी वो आपको पता है ही। अब बात करते हैं कि फाइनल बात करते हैं कि देखो आप फेल हो, मिला जुला के समझिए, मान लेते हैं कि आप फेल हो, आपका रिजल्ट क्लियर नहीं है, तो आप इस कंडीशन में आपके पास क्या कौन कौन से रास्ते हैं, तो सॉल्यूशन की बात करते हैं, देखिए समझते हैं। एक रीचेकिंग का सोल्यूशन निकल के आता है, दूसरा ऑन डिमांड एग्जाम का आता है, और ये एनुअल एग्जाम का आता है। जरा उसको समझ लेते हैं। तो रीचेकिंग वही होता है जब आपका रिजल्ट आता है उसके 15 दिन, यानी 15 दिन के भीतर जो है आपके करना होता है, अप्लाई करना होता है। ऑन डिमांड एग्जाम जो हो जाता है वो एक्चुअली उनके लिए होता है, यानी जो आप चाहते हैं कि आपका इसी साल जो है रिजल्ट क्लियर हो जाए, यानी 45 दिनों के अंदर आपको ये अप्लाई करना होता है। इसके लिए सीटें निकलती है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट करोगे तभी हो पाएगा। अब इसका आगे बात करते हैं ये एनुअल एग्जाम क्या है। तो नॉर्मल सी बात आपको पता है कि एनएस के एग्जाम 2 बार होते हैं एक साल में, एक अप्रैल और दूसरा अक्टूबर में। तो ये अक्टूबर वाले सेशन में भी जो है आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप फिर से एनुअल एग्जाम दे सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है इस वीडियो में आपकी सभी प्रॉब्लम का जवाब मैंने दिया है, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। कमेंट जरूर कीजिएगा, कुछ और पूछना है जरूर पूछो, मैं फिर जो है उसका एक वीडियो बना के जो है वीडियो के माध्यम से उसका जवाब दूंगा। अब बात कर लेते हैं जरा सा मेंबरशिप की। देखो मेंबरशिप का मतलब ये हो जाता है कि जैसे आपने मुझे कॉल किया, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, नंबर आप ये भी देख सकते हैं। तो एक्चुअली करना क्या है कि आप इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल ना करके आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, और इसके बाद आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना होता है। आपको 200 यानी 200 रुपए गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से इस नंबर पे करना होता है। आप मुझसे 30 दिनों तक अपनी परेशानी के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं, और आपने जो मुझे पेमेंट किया ना उसकी स्क्रीनशॉट भी आप मुझे जरूर व्हाट्सएप कीजिए। फिर मैं आपको बार बार 200 नहीं पे करना होता, पूरे 30 दिन तक आप अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड मुझसे बात कर सकते हैं। आपका नंबर सेव रहता है। आप जैसे बाय चांस कभी मान लो मैं क्लास ले रहा हूँ, मैंने आपका नंबर जो है रिसीव नहीं कर पाया उस टाइम, तो आपका नंबर सेव है, मैं फिर आपको बैक कॉल भी करता हूँ। अभी हाल ही में हमने जो है कुछ हमारे मेंबर्स हैं तो उनकी हमने फीस भी उनको रिटर्न कर दिया, जैसे कि हेड ऑफिस जाने का काम था, हेड ऑफिस में नहीं जा पाया, उनको मैंने बताया कि वहां पे जा कितना ही काम होना है, आप बताइए, हम आपकी फीस भी रिफंड कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, क्या चीजें हैं, जब आप जुड़ोगे तभी सारी बातों को आप समझोगे। अब बात करते हैं कि आपकी परेशानी इतनी नहीं है, आप 200 नहीं देना चाहते, तो कॉल मी फॉर ऐप गूगल प्ले पे आपको मिल जाएगा। कॉल मी फॉर ऐप उसको इंस्टॉल कीजिए, रजिस्टर होइए, और वहां से आपको सर्च करना है ओनली सर्वेंडर। अब मुझे कॉल कीजिए और आपकी जो परेशानी है उसका सोल्यूशन पाइए। अब बात करते हैं अक्टूबर वाले बच्चों के लिए कि देखिए आप अक्टूबर में एग्जाम देना चाह रहे हैं तो हमारे पास ऑनलाइन क्लास चल रही है, ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन क्लास इस YouTube पे नहीं होता, ऑनलाइन क्लास अलग से ऐप है उस पे होता है, जहाँ पे केवल 10 बच्चे रखता है, और हम जो है फीस रिफंड की भी सुविधा देते हैं अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए, और आपको पढ़ाई यहाँ पे होगा। एक एक पॉइंट आप मुझसे पूछोगे सर ये बता दो, मैं आपको सुनूंगा, आप मुझे सुनेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।